तो योगा में हम इसे संतुलन आसन कहते हैं। गुड मॉर्निंग, बहुत ही आज इंटेंस योगा सेशन हुआ, झक्कास एकदम मजा आ गया और बिल्कुल झक्कास मौसम हो रहा है। डर इस बात का है कि खैर आज तो कोई बात नहीं है, पर जिस दिन हमको जाना हो उस दिन ऐसी बारिश ना हो, क्योंकि ज्यादा बारिश हो गई तो फिर जैसा लास्ट टाइम हुआ था कि हमारा जो एयरपोर्ट है वो ब्लॉक हो गया था, बहुत सारा पानी भर गया था एयरपोर्ट के अंदर भी, रनवे पर भी, तो बहुत सारी फ्लाइटें डिले हो गई थी, कुछ कैंसिल हो गई थी। ऐसा ना हो, घने काले बादल चारों तरफ और 7:30 बज रहा है, पर ऐसा लग रहा है कि 5:30 बज रहा है। इस पोजीशन में अगर आप 10 से 15 सेकंड तक रुक पाते हैं तो ये आपके अंदर बहुत ही अच्छा बैलेंस क्रिएट करेगा। तो योगा में हम इसे संतुलन आसन कहते हैं। तो ये जो संतुलन आसन है ये लगभग सभी लोग कर सकते हैं, जिनको कोई हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है, जिनको हर्निया की प्रॉब्लम नहीं है, जिनको हाई ब्लड प्रेशर नहीं है, वो सारे लोग ये आसन कर सकते हैं। ये संतुलन आसन हमारे नर्वस बैलेंस को इम्प्रूव करता है। नर्वस बैलेंस यानी कि हमारे मन में, हमारे दिमागी तौर से, हमारे जो सेंसेस हैं, हमारे जो स्मेल है, टेस्ट है, सेंस ऑफ थिंकिंग है, सेंस ऑफ जो हमारा थॉट्स है उसको भी इम्प्रूव करता है। और ये इट डेवलप्स एंड सेंस ऑफ इनर इक्विलिब्रियम, यानी हमारे अंदर एक संतुलन लाता है कि हम किसी भी चीज़ में, किसी भी भाव में ज़्यादा नहीं बह जाते हैं। हम बहुत ज़्यादा, मतलब कुछ लोग होते हैं कि बहुत ज़्यादा खुशी के मारे पागल हो जाते हैं, जैसा आपने मेरे पिछले वीडियोस में देखा होगा कि मैं घूमने जाना है पर खुशी बहुत ज़्यादा हो रही है, पर वो खुशी भी हमें कंट्रोल करने आनी चाहिए। कभी किसी चीज़ का दुख हो जाता है, कभी किसी चीज़ का गम होता है, तो हम उस गम में इतना बह जाते हैं कि हम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो उस गम को भी कंट्रोल करना हमें आना चाहिए। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो इस संतुलन आसन से सही होगा। चलिए फिर से एक बार देखते हैं और जानते हैं कि कैसे कर सकते हैं इसको। तो पहले आप कैट एंड काउ पोजीशन में आ जाएं, इसमें आप अपने दोनों पैरों को, दोनों हाथों को साथ में रखें और फिर अपने पैर को पूरा पीछे स्ट्रेच करते हुए अपने टोज पर आए, टोज पर आएंगे और तो अपने दूसरे पैर को भी पीछे की ओर पूरा स्ट्रेच करें, अपने हाथ को सीधा, गर्दन हमारी सामने की ओर, हम सामने की ओर देखें। होल्ड करेंगे इसी पोजीशन में 10 सेकंड तक, फिर हम अपने लेफ्ट लेग को उठाते हुए राइट लेग के ऊपर और बैलेंस बनाते हुए दूसरा हाथ हमारी बॉडी के ऊपर, अपने शरीर को सीधा रखना है। ये हमारे पेट, हमारी स्पाइन, पीठ, थाइस, पैर, मतलब ये पूरी बॉडी को स्ट्रेंथ देता है। यहाँ पे होल्ड करेंगे थोड़ी देर और यहाँ पे होल्ड करने के बाद हम दूसरी तरफ आ जाएं। बॉडी को स्ट्रेट रखना है, अपने हाथ को बैलेंस बनाने के लिए ऊपर भी रख सकते हैं या अपने शरीर पर नीचे, बॉडी हमारी स्ट्रेट रहे। होल्ड करेंगे थोड़ी देर और फिर वापस नीचे और वापस आ जाएं। तो ये है संतुलन आसन। संतुलन आसन यानी कि बैलेंसिंग पोज, और कोई भी बैलेंसिंग पोज हम जो करते हैं वो हमारे पूरी पर्सनालिटी पे, हमारे इनर इक्विलिब्रियम यानी कि हमारे अंदरूनी तौर पे पूरी तरीके से हमें संतुलित रखता है। और जो लोग अपने वेट को लेकर के परेशान हैं, अपने वेट को, अपने एक्सेस वेट को कम करना चाहते हैं, वो लोग भी इस आसन को ज़्यादा से ज़्यादा करें। इससे हमारे हाथ पैर तो मजबूत होते ही होते हैं, प्लस जो एक्स्ट्रा फैट है हमारे बॉडी के अंदर वो भी गलता है, हमारी जो ढीली स्किन है वो भी टाइटन होती है और हमारे पूरे शरीर को मजबूती देता है ये। तो मैं आशा करता हूँ कि आज का ये जो छोटा सा वीडियो है ये आप लोग को पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन को हिट किए बगैर मत जाइएगा, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।